नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मनोज। फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम आने वाली है उसी की प्रिपरेशन को देखते हुए हम लोग के इसमें ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल में जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं, जो पॉइंट्स हैं, ड्रामाज हैं, उन पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। और आज हमने इसी सीरीज में पहली एक पोएम ली है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है जॉन मिल्टन साहब ने लिखी थी। जॉन मिल्टन जो हैं वो रेनेसा पीरियड से संबंधित हैं और इन्होंने ये पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो अंधे होने के बाद लिखी थी। 1652 में ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, उसके बाद में इन्होंने ये पोइम लिखी। एंड 1608 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में इनका डेथ हुआ। और ये जो पोइम है ये उन्होंने एक्चुअली में एक सोनेट है और इसे इन्होंने पेट्रार्कन राइम स्कीम इसमें यूज किया है। राइम स्कीम क्या होता है वो अभी देखते हैं। देखिए, स्पेंट स्पेंट इसको हम ए बोलते हैं क्योंकि शुरुआत हम ए से करते हैं। वाइड, अब स्पेंट और वाइड का कोई मेल नहीं है तो इसे हम बी अंक दे देते हैं, ठीक है। हाइड, वाइड हाइड फिर से बी। बेंट स्पेंट ए, यानी ए बी बी ए। और पेट्रार्कन जो सोनेट होते हैं उनमें राइम स्कीम जो होती है वो ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, ये होती है। 14 लाइन का सोनेट होता है, 14 लाइन में ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, 14 लाइन्स हो गई, ठीक। उसी प्रकार से प्रेजेंट, बेंट प्रेजेंट स्पेंट फिर ए। चाइल्ड, वाइड हाइड चाइल्ड बी। डिनाइड चाइल्ड हाइड वाइड इसे बी। प्रेजेंट प्रेजेंट बेंट स्पेंट ए, ठीक है। तो ये 8 लाइन्स हो गई, ए बी बी ए बी बी ए। अब ये नीचे की 6 लाइन है वो सी डी ई सी डी ई में होंगी। अब नीड है, नीड देखो ना तो प्रेजेंट में मिलता है ना ही चाइल्ड में मिलता है, डिनाइड में मिलता है, तो नीड इसको हम सी देंगे, ठीक है। और फिर बेस्ट इसे हम बी देंगे और स्टेट को हम ई देंगे। फिर स्पीड नीड इसे सी बी और ई, ठीक। बेस्ट रेस्ट वेट स्टेट, ठीक है। तो सी डी हो गए। तो ये इसकी राइम स्कीम कही जाती है। अब इसके बारे में कुछ लिखा मैंने, जॉन मिल्टन साहब जो है ये 1608 में इनका जन्म हुआ था, 1674 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1652 में इन्होंने ये अंधे होने 1652 में 44 साल की उम्र में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। पेट्रार्कन राइम स्कीम है जो हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पोइम है इसको हम लाइन बाई लाइन हिंदी में कन्वर्ट करते चलेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, जब मैं विचार करता हूँ, consider जब मैं सोचता हूँ, how my light कैसे मेरी light, light का मतलब यहाँ पर है आंखों की रोशनी से, how my light is spent कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, जब मैं विचार करता हूँ कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। Or half my days in this dark world and wide, और का मतलब होता है पहले, यानी मेरे आधे जीवन से पहले ही इस अंधेरे और विस्तृत संसार में कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। यहां पर आगे देखते हैं, एंड दैट वन टैलेंट, और वो जो एक टैलेंट है। अब ये टैलेंट किस टैलेंट की बात हो रही है, उसके अंदर जो टैलेंट है उसके अंदर कौन सा टैलेंट है, कवि के अंदर टैलेंट है लिखने का, राइटिंग का, उस टैलेंट की बात कर रहा है। और इस टैलेंट के पीछे एक कहानी भी है। बाइबल का एक चैप्टर है मैथ्यू 25 में एक कहानी है
छोटी सी टैलेंट के बारे में। टैलेंट होता क्या एक्चुअली में, वहां पर एक ओनर है, मालिक है, उसके तीन सर्वेंट्स होते हैं, वो अपने सर्वेंट्स को टैलेंट देके जाता है, यानी तीनों को पैसे देके जाता है, सोने की मोहरे, और वो मोहरे जो है उन्हें हम टैलेंट कहते हैं। ठीक है, अब तीन में से दो बंदे ऐसे होते हैं जो कि उन मोहरों को बाजार में खर्च करके दूसरे पैसे और बना के लेके आते हैं। एक ऐसा होता है जो रख देता है और मालिक के आने पर उसे वापस वैसा का वैसा दे देता है। अब मालिक के आने पर देता तो मालिक उसे डांटता है कि ये तुमने यूजलेस, मतलब ऐसे क्यों रख दिया इसको यूजलेस, इसको खर्च क्यों नहीं किया, इसके और पैसे क्यों नहीं बनाए। तो वो टैलेंट की बात हो रही है, ठीक है, जो उसके अंदर दफन है, मतलब उसे यूज नहीं किया, वो दफन ही हो गया ना। एंड दैट वन टैलेंट, और वो जो एक टैलेंट है विच इज डेथ टू हाइड, हाइड का मतलब छुपाना, जिसको छुपाना मृत्यु के समान है, वो जो एक टैलेंट है जिसको छुपाना मृत्यु के समान है, लॉज्ड विथ मी, लॉज्ड यानी दफन है, विथ मी मेरे साथ, यूजलेस बेकार ही, मतलब वो मेरे अंदर बेकार ही पड़ा है, दफन है। कौन कौन पड़ा है टैलेंट, कौन सा टैलेंट, वो टैलेंट जो भगवान ने मुझे दिया है, उस मालिक ने जिस तरह से अपने नौकर को दिया था, उसने उसको यूज नहीं किया, उसी प्रकार मैं भी इस टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सा टैलेंट, जो भगवान ने मुझे दिया है लिखने का, अब यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अंधा हूँ। ठीक, तो वो लॉस्ड है, दफन है, विथ मी मेरे अंदर, यूजलेस ऐसे ही बेकार ही। दो हालांकि माई सोल मेरी आत्मा, हालांकि मेरी आत्मा मोर बेंड, ज्यादा उत्सुक है, ज्यादा विनित है, ज्यादा झुकी हुई है, टू सर्व देयर विथ माय पेरेंट्स, सॉरी माय मेकर्स, मतलब वो क्यों झुकी हुई मेरी आत्मा, सेवा करने के लिए, देयर विथ माय मेकर्स, मेरे भगवान की सेवा करने के लिए वो विनित है, झुकी हुई है, एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करती है माय ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जो। अब सच्चा लेखा जोखा का मतलब क्या है, इस धरती पर आने के बाद में मैंने जो काम किए हैं, भगवान ने जो मुझे टैलेंट दिया है, वो टैलेंट मैंने यूज किया या नहीं किया, मतलब मैंने, जैसे मिल्टन साहब की बात करें तो मिल्टन को भगवान ने कौन सा टैलेंट दिया, लिखने का, राइटिंग का। अब वो टैलेंट अगर वो यूज नहीं करता है तो वो टैलेंट क्या है, उसका लेखा जोखा है ना, वो भगवान ऊपर जाने पर मांगते हैं कि क्या तुमने क्या किया मेरे द्वारा दिए गए टैलेंट का, तो वहां पर उसका आंसर देना होता है। तो आगे बोलते हैं लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अन्यथा वो क्या करेंगे, लेस्ट का मतलब अन्यथा, वो मेरे लौटने पर, मेरे वहां भगवान के पास जाने पर वो मुझे डांटेंगे। ठीक है, ये पूरा दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब क्या है यहाँ तक। ठीक है, ये देखो, यहां तक कवि कहना चाहता है कि मैं जब सोचता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मेरे आधे जीवन में ही इस विस्तृत और अंधेरे संसार में, और मेरे अंदर जो एक टैलेंट है जिसे छुपाना मृत्यु के समान है, लॉज्ड है, दफन है, विद मी मेरे अंदर यूजलेस ऐसे बेकार ही, तो माय सोल मोर बेंड, हालांकि मेरा हृदय ज्यादा नमित है, विनित है, झुका हुआ है, सेवा करने के लिए मेरे भगवान की, और प्रस्तुत करना चाहता है मेरा ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा, कि मैंने उस टैलेंट का क्या किया, मैंने उस टैलेंट को यूज किया या नहीं किया, उसका लेखा जोखा, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अन्यथा वो मुझे डांटेंगे। क्यों डांटेंगे, क्योंकि जिस प्रकार मैथ्यू 25 में उस मालिक ने उस नौकर को डांटा कि तुमने वो टैलेंट यूज क्यों नहीं किया, तुमने वो सोने की मुद्राएं यूज क्यों नहीं की, उसी प्रकार से मेरा मालिक ही मुझे मेरा सच्चा लेखा जोखा मांगेगा और मुझे डांटेगा कि तुमने अपना टैलेंट यूज क्यों नहीं किया। आगे देखते हैं, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट टी नाइट, डॉट का मतलब है डच, कि क्या भगवान को वास्तव में सही ऐसे इंसान या ऐसे लेबर या ऐसे काम करने वाले
जिनकी लाइट डिनाइड, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या वो उससे भी अपेक्षा करते हैं जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है कि भगवान क्या उन लोगों से भी काम करवाना चाहते हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है? क्या उनसे भी वो लेखा जोखा मांगेंगे और कि तुमने वो टैलेंट यूज क्यों नहीं किया? किसके लिए? जिसकी आंखों की रोशनी चली गई। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। फॉन्डली का मतलब मूर्खतापूर्वक, बट पेशेंट, लेकिन धैर्य नहीं, टू प्रिवेंट, रोका दैट मुरमुर, उस बुदबुदाहट को, लेकिन धैर्य ने उस बुदबुदाहट को रोका। कौन सी बुदबुदाहट को? जो उसने मूर्खतापूर्वक पूछी थी। क्या पूछी थी? कि क्या भगवान को दिन में काम करने वाले डे लेबर की आवश्यकता है, और अगर है तो क्या जिनके आंखों की रोशनी नहीं है भगवान उनसे भी काम करवाना चाहेंगे या उनसे भी वापिस लौटने पर लेखा जोखा मांगेंगे? सुन, और जल्दी ही रिप्लाई आंसर आता है, उत्तर आता है, गॉड डॉथ नॉट नीड। डॉथ का मतलब है डज, कि गॉड को आवश्यकता नहीं है, भगवान को आवश्यकता नहीं है किसकी? ईदर मैंस वर्क, ना तो मैन के काम की, मनुष्य के काम की, और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ही उसके दिए हुए गिफ्ट्स की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। भगवान को दे सर्व हिम बेस्ट, कौन उसकी दे सर्व बेस्ट, वो उनकी ज्यादा सेवा करते हैं, कौन करते हैं? हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके दिए हुए दबाव को सहन कर सके। माइल्ड योक का मतलब होता बर्डन, यानी दबाव, जो भगवान के दिए गए दबाव को सहन कर सकते हैं ना, वही उसको ज्यादा सर्व करते हैं, वही उनकी ज्यादा सेवा करते हैं। ये बर्डन का मतलब क्या है? एक्चुअली मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि बर्डन का मतलब है, आपको भगवान ने जिस उद्देश्य से यहाँ भेजा है वो उद्देश्य आप पूर्ण करें। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है, भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है शिक्षित करने का बच्चों को। अब मैं वो टैलेंट अगर यूज नहीं करूंगा, मैं वो उद्देश्य पूरा नहीं करूंगा, तो भगवान को गुस्सा आएगा ना। उसी टैलेंट की बात हो रही है, उसी बर्डन की बात हो रही है। वो बर्डन मैं सहन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, उसी बर्डन की बात होती है। और वो बर्डन अगर कोई बच्चा, कोई आदमी सहन कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, और वही उसको ज़्यादा सर्व कर पाते हैं, सेवा उसकी ज़्यादा कर पाते। अब सेवा का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि भगवान को भोग लगाओ या फिर मन्नत मांग के उसकी पूर्ति करो, वो वाली सेवा नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे सेवा का मतलब है उसके द्वारा दिए गए दबाव को सहन करना और लोगों की सेवा करना, ठीक है। हिज स्टेट इज किंगली, उसका साम्राज्य किसका? भगवान का। हिज, देखो हिज हिम, ये हिज, ये बड़े अक्षर जो आ रखे ना हिज, ये भगवान के लिए आए हैं। तो हिज स्टेट इज किंगली, उसका साम्राज्य जो है ना राजाओं की तरह है। किसका? भगवान का साम्राज्य राजाओं की तरह है। थाउजेंड्स एट बिडिंग हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों लोग उसकी एक आदेश पर, उसके एक कहने पर, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशंस विदाउट रेस्ट, हजारों लोग जो है ना उसके एक आदेश पर काम करने के लिए तैयार खड़े हैं और उसके आदेश को पोस्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। ओवर लैंड्स, धरती के ऊपर से, एंड ओशियंस, और समुद्र के ऊपर से, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। कहने का तात्पर्य क्या है कि उसका साम्राज्य जो है उस बहुत ही विस्तृत है, किंगली है, राजाओं की तरह है। हजारों लोग जैसे राजा की सेवा में खड़े रहते हैं, वैसे ही भगवान की सेवा में खड़े हैं उसके आदेश की पालना के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियंस, और उसी आदेश को धरती पर और समुद्रों में पोस्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, बिना किसी आराम के तैयार करें। दे आल्सो सर्व, और वो भी सेवा करते हैं, कौन? हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बैठा है वो उसकी सेवा नहीं कर रहा। हाँ भाई, आज मान लो आप स्टूडेंट हो, आज आप सेवा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आपकी बारी आएगी, आप टीचर बनोगे या फिर किसी और फील्ड में जाओगे, तब आपकी बारी आएगी और तब आप उसकी सेवा कर सकोगे, ठीक है। तो ये था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन के द्वारा लिखा गया। आई होप ये
अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करें, बताएं कि सर यहाँ पे कुछ कमी थी, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने ये अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, ये जो बच्चा पढ़ के चला गया ना, उसके 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, 5 या 4 तो इस पॉइंट से जरूर क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ जो पढ़ाया गया उससे अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो मतलब अगर 5 क्वेश्चन आए तो 10 नंबर पक्के हैं यहाँ से, इस छोटी सी पॉइंट से। और इसकी जीवनी जरूर पढ़ें, वो जीवनी जो है ना वो उससे भी एक आधा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की, इसमें कौन कौन सी यूज है। सबसे पहले लाइट की बात करते हैं। लाइट जो है यहाँ पे आंखों की रोशनी के बारे में बात की गई है, ऐसी लाइट की बात नहीं की गई है जो सूर्य के द्वारा दी गई या बल्ब के द्वारा, है ना। तो ये लाइट जो है ना ये आंखों की रोशनी को दिखाता है, ब्लाइंडनेस को। तो यहाँ पर इसका किसका मेटाफर का यूज हुआ है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड, डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। यहाँ पे देखो इसने पढ़ते क्या खूबसूरती से इसका यूज किया है। डार्क और वाइट जो है ना दोनों एडजेक्टिव होते हैं, ये दोनों यहाँ पे आने चाहिए थे, ऐसे लिखा जाना चाहिए था डार्क एंड वाइट, फिर वर्ल्ड आना चाहिए था, डार्क एंड वाइट वर्ल्ड होना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड ही तो वाइट और डार्क है ना, इसलिए इस नाउन के ये दोनों एडजेक्टिव हैं। लेकिन इसने किया क्या है, इसने डार्क वर्ल्ड एंड वाइट लिख दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन बोलते हैं। यानी एक नाउन के लिए जो एडजेक्टिव आना चाहिए था वो एक पहले आके एक बाद में आ जाता है, उसको इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा इसी में वर्ल्ड और वाइड एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ठीक है, दो शब्दों की पुनरावृत्ति, डब्ल्यू की पुनरावृत्ति हो रही है तो एलिट्रेशन है। इसके बाद में यहाँ पर बेस्ट बियर, यहाँ पे फिर एलिट्रेशन का यूज हुआ, बेस्ट बियर। ठीक है, एक यहाँ पे माइल्ड योक, ये जो माइल्ड योक है ना ये दिखाता बर्डन को, तो यहाँ पर फिर से मेटाफर का यूज हुआ है। और लास्ट लाइन जो है ना, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज। ठीक है, तो ये था मिल्टन साहब का लिखा हुआ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक